नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। साथियों, सभी के ब्लॉक में ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। कहीं पर तो ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी दी जा रही है, लेकिन कहीं पर ट्रेनिंग के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम वो प्रश्न लेंगे जो हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद पता चल जाने चाहिए कि क्या क्या है इन मॉड्यूल्स में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग में जहां पर सही नहीं बताया जा रहा उनके शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज ये हमारा पार्ट वन है। इसमें हम 35 से 40 प्रश्न लेंगे। इसी तरह से हम 2-3 पार्ट में लगभग 100 प्रश्न लेंगे जो हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बाद में पता चल जाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, हमारा प्रश्न नंबर एक है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ एवं प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क का उद्घाटन कब और किसने किया था? तो साथियों, मिशन प्रेरणा का जो शुभारंभ था वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था। प्रश्न नंबर दो, मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश कब आया? यानी जो मिशन प्रेरणा था उसका क्रियान्वयन करना था, उसका शासनादेश हमारा 2 सितंबर 2019 को आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा मिशन का स्लोगन क्या है? तो जो प्रेरणा मिशन है उसका स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है? तो जो हमारा मिशन प्रेरणा है उसका लक्ष्य मार्च 2022 तक 80% बच्चों और प्रत्येक विकास खंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग गोल्स प्राप्त करना, ये मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है? यानी कि दोबारा वही प्रश्न, यानी कि दूसरे स्तर से देखें तो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य ये भी है कि हमारा प्रेरक विकास खंड बन जाए, यानी हमारा विकास खंड प्रेरक बन जाए, हमारा जनपद प्रेरक बन जाए और हमारा मंडल प्रेरक बन जाए। यानी कि आपको प्रेरक विकास खंड, प्रेरक जनपद और प्रेरक मंडल का लक्ष्य प्राप्त किया जाना, ये मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रेरक विकास खंड के लिए विद्यालयों का सत्यापन कौन करेगा? मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारा विकास खंड प्रेरक बन गया, तो इसका सत्यापन कौन करेगा, कौन बताएगा कि ये प्रेरक विकास खंड बन गया है? तो इसके लिए स्वतंत्र बाह्य संस्था बताएगी, यानी थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, यानी हमारे शिक्षा विभाग के नहीं करेंगे इसका असेसमेंट, थर्ड पार्टी करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के प्रभावी अनुसरण हेतु किस किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? इसके लिए राज्य स्तर पर भी टास्क फोर्स गठित की गई है, मंडल स्तर पर भी गई है, जनपद स्तर पर भी और विकास खंड स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य कैसी शिक्षा के लिए है, यानी किस तरह की शिक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य रखे गए हैं? तो ये हमारे बुनियादी शिक्षा के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? जो प्रेरणा लक्ष्य है वे हमारे भाषा तथा गणित के लिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 10, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है? तो साथियों, जो प्रेरणा लक्ष्य है वे हमारे कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक कक्षाओं के लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक कक्षा के लिए कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं? तो बता दूं मैं आपको, प्रत्येक कक्षा के लिए 2 प्रेरणा लक्ष्य हैं, एक आपका गणित के लिए है और दूसरा आपका भाषा के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्यों की संख्या कितनी है, यानी टोटल प्रेरणा लक्ष्य हमारे कितने हैं? तो टोटल प्रेरणा लक्ष्य हमारे 10 हैं, जिनमें 5 भाषा के लिए हैं और 5 हमारे गणित के लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्धारित सूची से 5 शब्द तथा 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, ये प्रेरणा लक्ष्य किस क्लास का है? तो ये हमारा कक्षा 1 का है, भाषा का निर्धारित सूची से 5 शब्द और गणित का जो है 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, तो ये कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 14, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना प्रेरणा लक्ष्य है। तो
जो बच्चा अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ रहा है तो ये कक्षा दो का भाषा का लक्ष्य है, प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा दो गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा दो गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य है जोड़ एवं घटाना, यानी कि एक अंक के जोड़ और घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा तीन भाषा के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो जो हमारी कक्षा तीन है, इसके पहले प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, कक्षा दो ये तो हो गया था हमारा, प्रश्न नंबर 16 कक्षा तीन भाषा के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो कक्षा तीन में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। याद रखना है कक्षा दो की बात करें तो दो में दो आ रहा है तो इसलिए 20, और तीन में तीन आ रहा है और उधर हो गया 30, तो दो और तीन को आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, उसमें 20 शब्द प्रति मिनट और कक्षा तीन में 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, कक्षा तीन गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा तीन में गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य है जोड़ और घटाने हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, कक्षा दो में जोड़ और घटाने के 75% है। फर्क क्या है? कक्षा दो में बिना हासिल के हैं और कक्षा तीन में हासिल के साथ है, बस इतना फर्क है दोनों में। तो आप दोनों प्रेरणा लक्ष्य आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको IVRS पोर्टल से कॉल आती है तो वो आपसे इस तरह के ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। प्रश्न नंबर 18, कक्षा चार भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो जो हमारी कक्षा चार है उसमें भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कोई छोटा सा अनुच्छेद उन्हें दे दिया जाए और उसके नीचे प्रश्न दे दिए जाएं तो उनमें से वे 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 19, कक्षा चार गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा चार भी गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा पाँच भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी तरह चार और पाँच को आप एक साथ याद कर लीजिए, 75% अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के सही हल कर पाते हैं। फर्क क्या है? चार में छोटा अनुच्छेद और पाँच में बड़ा अनुच्छेद। इसी तरह से कक्षा पाँच गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या है? भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। चार और पाँच का गणित का प्रेरणा लक्ष्य भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, कक्षा चार में गुणा के 75% है और कक्षा पाँच में भाग के 75% है। आपको पता है भाग ज़्यादा मुश्किल होता है, गुणा इतना मुश्किल नहीं होता। प्रश्न नंबर 22, प्रेरक विकास खंड के लिए विद्यालयों का सत्यापन कौन करेगा? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसके लिए स्वतंत्र बाह्य संस्था या थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, स्कूलों ने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था करेगी जिसको नामांकित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 24, मूल्यांकन की प्रक्रिया में ब्लॉक खुद को मूल्यांकन के लिए क्या करेगा? भाई मूल्यांकन की प्रक्रिया में ब्लॉक को सिर्फ ये बताना है कि हमारा ब्लॉक प्रेरक हो गया, यानी अपने आप को नामांकित करना है, असेसमेंट थर्ड पार्टी ही करेगी। प्रश्न नंबर 25, नामांकित ब्लॉक से लगभग कितने स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा? मान लीजिए आपने बता दिया कि हमारा अपने ब्लॉक को नामांकित कर दिया कि हमारा सर्वे कर लिया जाए, तो उसके लिए आपको 20 स्कूलों का सैंपल के आधार पर चयन करना होगा। प्रश्न नंबर 26, स्वतंत्र संस्था द्वारा ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक कब घोषित किया जाएगा? जो स्वतंत्र संस्था असेसमेंट करेगी वो कब प्रेरक घोषित करेगी? यदि चयनित 20 स्कूलों के सभी छात्रों द्वारा मूल्यांकन में प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे, यानी कि जो प्रेरणा लक्ष्य है अगर उन्हें प्राप्त कर लिया है तो उसको प्रेरक ब्लॉक घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम क्या है? तो लर्निंग आउटकम है क्या? लर्निंग आउटकम का प्राय अभिप्राय कक्षा कोर्स के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशलों से है, यानी बच्चों ने कितना अर्जित ज्ञान किया, कितने कौशल उसने प्राप्त कर लिए, ये हमारा लर्निंग आउटकम से मतलब है, यानी कि जो बच्चों को हम सिखाना चाह रहे हैं क्या उसने वो प्राप्त कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम से क्या आशय है या लर्निंग आउटकम क्या होते हैं? तो वह परिणाम जो किसी कक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं, यानी कि बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है तो
उसके निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप उनमें अपेक्षित दक्षताएं विकसित हो गई हैं और वे उसके व्यवहार में उसके आचरण में परिलक्षित हो सके हो दिखने लगे, तो कहेंगे कि हमने बच्चे ने लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम क्या इंगित करते हैं? तो लर्निंग आउटकम जो है हमारे सीखने के अनुभव के बाद छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से बदलाव आएंगे, ये आपके लर्निंग आउटकम इंगित करते हैं कि उनको सीखने के बाद उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या वे उनका अनुप्रयोग करना सीख गए। लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से क्या बताता है? तो लर्निंग आउटकम हमें क्या बताएगा, बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल करनी है या उसको कौन कौन सी दक्षताएं हासिल करनी हैं, ये हमें लर्निंग आउटकम बताएगा। लर्निंग आउटकम के स्तर या प्रकार क्या हैं, यानी कि लर्निंग आउटकम आपके कितने तरह के होते हैं? तो जो हमारे लर्निंग आउटकम होते हैं वे हमारे तीन तरह के होते हैं। पहले होते हैं केंद्रिक या फोकल लर्निंग आउटकम, दूसरे होते हैं हमारे नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और तीसरे होते हैं उप लर्निंग आउटकम या नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंदर ही उप लर्निंग आउटकम। तो आपके तीन होते हैं, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के होते हैं? यही प्रश्न हुआ, नंबर तीन हो गए, ये आपको पता है। अब आती है केंद्रिक या फोकल आउटकम क्या होते हैं? तो केंद्रिक और फोकल आउटकम यह सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं, यानी व्यापक क्षेत्र में जब बात करें तो उन्हें कहते हैं केंद्रिक या फोकल आउटकम। इनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित होते हैं, यानी कि अंदर जो होंगे छोटे छोटे आउटकम आपके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेस्टेड आउटकम क्या है? तो नेस्टेड आउटकम ये समान प्रकृति के कई कैरिकुलम यानी पाठ्यचर्या लक्ष्यों को एक से मिलाकर बनाए गए जाते हैं। यानी नेस्टेड आउटकम क्या होंगे, एक ही प्रकृति के बहुत सारे जो आपके लक्ष्य होंगे उनको मिलाकर जो आउटकम बनाए जाएंगे उन्हें नेस्टेड आउटकम कहेंगे। प्रश्न नंबर 35, उप आउटकम क्या होते हैं? ये सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए जाते हैं, तो इन्हें उप आउटकम कहा जाता है। यानी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया जो हमारी चल रही है उसमें जो सुधार करना है तो उनको कहेंगे उप आउटकम। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम कैसा लक्ष्य है? तो लर्निंग आउटकम हमारा एक परिणाम आधारित लक्ष्य है, यानी कि हमें परिणाम प्राप्त हो जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 37, लर्निंग आउटकम बच्चों की प्रगति का आकलन कैसे करता है? तो लर्निंग आउटकम जो है वो बच्चों की प्रकृति का गुणात्मक भी आकलन करता है और संख्यात्मक रूप से भी आकलन आपका करता है। प्रश्न नंबर 38, यदि कोई बच्चा समान लेकर बचे रुपयों का हिसाब सही सही रख लेता है तो इसका आशय क्या निकलता है? मान लीजिए एक बच्चे ने दुकान पे गया, उसमें दुकान पे जाके उसे वापस पैसे जितने मिले उनका हिसाब से लगा दिया कि हाँ मुझे सही पैसे मिले हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? तो बच्चा जोड़ घटाव की संक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है, यानी जोड़ घटाव तो उस पर आ गया और उसका व्यावहारिक उपयोग भी उसने करना सीख लिया और यह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है। तो साथियों, इस तरह से हमने इस वीडियो में 38 क्वेश्चन लिखिए, ये हमारा पार्ट वन था। इससे संबंधित अब हम जल्दी ही पार्ट टू बनाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि पार्ट टू की वीडियो आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी भी नहीं लगी तो भी इस पे कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जो आपके साथ सेक्शन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।